नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल अंतर्राज्यीय पुलिस प्रशासन एवं समन्वय समिति की बैठक सुरखाप पर्यटन केंद्र में हुआ आयोजित। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अधिकारी कर रहे हैं मंथन। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के 9 जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने की शिरकत। वहीं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 7 लगते जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए। सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने की अध्यक्षता। अवैध शराब और हथियारों की रोकथाम पर भी हुई चर्चा। आप देख रहे हैं पल-पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सिरसा में सुरखाप पर्यटन केंद्र में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के 9 जिलों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। पुलिस प्रशासन समन्वय समिति की इस बैठक की अध्यक्षता सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने की। बैठक में सीमावर्ती इलाके में नाकाबंदी करने, नशा तस्करी को रोकने व चुनाव के दौरान अवैध शराब और अवैध हथियारों को लेकर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में मंथन हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों के अंतर राज्य व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाने की बात कही। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ थाना प्रभारियों को भी शामिल किया जाने की बात चली। बैठक में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे नाके लगाए जाएंगे जिन पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा पुलिस कर्मियों की एक साथ तैनाती की जाएगी। वहीं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि राजस्थान में हरियाणा से पहले और पंजाब में हरियाणा के चुनाव के बाद चुनाव होंगे। ऐसे में समन्वय स्थापित करने के लिए आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सकती है। इस बैठक में अधिकारियों के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के में नाकाबंदी करने और आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए चर्चा की गई है। इसके अलावा विशेष रूप से अधिकारियों ने 10 लाख से लेकर के अधिक राशि पकड़े जाने पर और उसकी सूरत में संबंधित आयकर विभाग को सूचित किए जाने के भी निर्देश जारी किए। अब देखने हैं पल-पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगते जो राजस्थान के और पंजाब के जो ज़िले लगते हैं उनकी एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पंजाब के 5 जिले थे, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहब, मानसा, संगरूर, पटियाला, और हरियाणा के 2 जिले जींद, फतेहाबाद, और राजस्थान का हनुमानगढ़। और सिरसा से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो सिविल अथॉरिटीज़ भी आए हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ भी आए हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं इलेक्शन में जिसमें के इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, जैसे लास्ट जो 72 आवर्स में जो मूवमेंट है व्हीकल्स की या इलीगल आर्म्स की या एमिनेशन की, ऐसे व्यक्तियों की जो एब्सकॉन्डर हैं वहाँ पे पीओ डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनके लिए मीटिंग करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत के अनुसार आज मीटिंग की गई है। राजस्थान के चुनाव हमसे पहले हैं और पंजाब के चुनाव हमसे बाद हैं, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो 5 तारीख को राजस्थान हनुमानगढ़ के इलेक्शन है और हमारे 12 को और पंजाब के 19 को हैं, तो तीनों ज़िलों की रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग अलग है। तो इसलिए सभी ने ये आभार व्यक्त किया है कि आपने कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई है। सभी के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो इश्यूज़, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ इलीगल एलिमेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर, अरेंजमेंट टू चेक मूवमेंट ऑफ इलीगल आर्म्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अरेंजमेंट टू चेक मूवमेंट ऑफ इलीगल लिकर, कैश एंड काइंड, स्ट्रिक्ट विजिल, मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री शीटर, डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर्स, फ्यूजिटिव्स एंड क्रिमिनल्स, इलेक्टोरल ऑफेंसेस जो लास्ट इलेक्शन में हमारे यहाँ हुए हैं या उनके यहाँ हुए हैं उसमें कोई ऐसे फ्यूजिटिव अगर लास्ट इलेक्टोरल इलेक्शन के पाए गए हैं, थोरो चेकिंग ऑफ व्हीकल्स, लॉरीज एंड अदर व्हीकल्स, इंटरस्टेट नाके, स्पेशली ये रहा है कि इंटरस्टेट नाके किसने कितने लगाने हैं उसकी डिटेल आपस में शेयर कर ली गई है। और इंटरस्टेट नाकों पे एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि जो बिल्कुल बाउंड्री पे अगर नाका लगाया जाता है तो उसमें हमारी टीम भी मौजूद रहे और दूसरे स्टेट की मौजूद रहे ताकि उसमें कोऑर्डिनेशन ठीक रह सके। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, एक इलेक्शन कमीशन का ये गाइडलाइन है कि 10 लाख से ऊपर की अगर अमाउंट पकड़ी जाती है तो इनकम टैक्स के हवाले करनी है। उसके लिए हर एक ज़िले की जो इनकम टैक्स अथॉरिटी डिफरेंट है, तो सबको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में कहा गया है कि अपने अपने इनकम टैक्स अथॉरिटी से टाई अप कर लें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो लास्ट 48 आवर्स क्रूशल हैं उसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करी गई है। ड्राई डे हले हर जो लास्ट 48 आवर्स में ड्राई डे रहेगा उसके लिए भी रिक्वेस्ट करी गई है सबसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हमने आज बैठ करके डिस्कस किए हैं।